हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर की स्टडी में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसयूएफ साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के बारे में, ए टू जेड पूरी डिटेल। एग्जाम का शेड्यूल क्या है, एग्जाम का गाइडलाइन क्या है, और इस बार जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, क्योंकि आप ये नोटिस देख रहे होंगे एसयूएफ ओलंपियाड एग्जाम टू बी कंडक्टेड ऑनलाइन मोड फॉर सेशन 2020 एंड 21। स्टूडेंट में आप ये एग्जाम फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ देयर होम्स, आप अपने घर बैठे एग्जाम दे सकते हैं, और आप इस यहाँ पर क्लिक करके गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं कैसे एग्जाम देना है। यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा कि आपको एग्जाम कैसे देना है। तो चलिए हम लोग पहले इसी को देख लेते हैं कि कैसे आपको वॉच करना है। ये तो आप अपने मोबाइल फोन से या लैपटॉप या डेस्कटॉप से देख सकते हैं, और आप इसमें देख सकते हैं कि अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, कितना नेट का स्पीड भी आपको इसमें बताया जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसमें आपको पूरी गाइड बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम कैसे होगा। हेलो फ्रेंड्स, पूरी डिटेल आपको बता दिया जाएगा वन बाई वन, तो आप इसको बात कर सकते हैं अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग एक डिजिट पूरी डिटेल जान लेते हैं। पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको पूरी डिटेल दे दिया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में अगर आप स्कूल में हैं, मतलब कि आपका कोई स्कूल है, आप कोई प्रिंसिपल है स्कूल के, तो ये स्कूल के लिए है और एक ये स्टूडेंट के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और ये स्कूल ऑनलाइन कर सकते हैं, और ये स्कूल के लिए है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर स्कूल। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप घर बैठे अभी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको डेट दे दिया जाएगा। तो एसयूएफ IGKO मतलब जीके का जो आपका एग्जाम है, उसका जो फॉर्म का लास्ट डेट है वो 25 नवंबर, यानी वो फॉर्म का लास्ट डेट खत्म हो गया। अब इंग्लिश IEO एसयूएफ IEO यानी इंग्लिश का जो एग्जाम है उसका जो फॉर्म का लास्ट डेट दिया गया है 15 दिसंबर, जो कि अभी बचा हुआ है 8 दिन। और मैथ के एग्जाम का लास्ट डेट है 10 जनवरी, फॉर्म भरने का ये बात हो रहा है। और जो NSO साइंस का जो ओलंपियाड का लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 15 दिसंबर, ये आप देख सकते हैं। और आप यहाँ से अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वैसे हो, यहाँ से अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अपने स्कूल का डिटेल, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड, प्रिंसिपल नेम, स्कूल का ईमेल चाहिए, मतलब आपको पूरी डिटेल आपको अगर पता नहीं है तो आपको स्कूल से कलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपको यहाँ पर डिटेल है, और उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। और ये तो रही कि अगर आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, और आप एग्जाम ऑनलाइन होगा। अब दूसरी बात है कि आप यहाँ दूसरी नोटिफिकेशन देख सकते हैं, आपको यहाँ शो हो रहा होगा स्टूडेंट गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो आपको क्या गाइडलाइंस है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने बताया उसमें देख सकते हैं। और एग्जाम का शेड्यूल क्या है, आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम का शेड्यूल। फॉर्म भर देने के बाद एग्जाम कब है, ये महत्वपूर्ण है। तो अगर आप जीके का एग्जाम का एसयूएफ का फॉर्म भर रहे हैं तो सीट जो ए एग्जाम होगा वो आपको एडमिट कार्ड बता दिया जाएगा, आपका कौन सा सेट है, ए है कि बी। 7-8 नवंबर को होगा जीके का एग्जाम, और ये तो हो चुका है। 21-22 नवंबर को आपका सेट बी का होगा, और सेट सी का 5 से 6 दिसंबर को। और NSO साइंस का बात करें तो 19-20 दिसंबर को, और सेट बी 9-10 जनवरी को, और सेट सी 30-31 जनवरी को, और सेट ए 26-27 दिसंबर को। ये आप पूरी यहाँ से पूरी डेट देख सकते हैं, ये तो है डेट की बात। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अवार्ड। ये तो अवार्ड आप तो अभी जरूरी नहीं है जानना, लेकिन अवार्ड के पहले आपको एग्जाम का फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप चाहे तो आप अपने स्कूल में अप्लाई कर दें, स्कूल वाले आपका अप्लाई कर देंगे ऑनलाइन, नहीं तो आप यहाँ से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही आपको एक नोटिफिकेशन देना था, और आपको आज के वीडियो में ही सब क्लियर कर दिया कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, गाइडलाइंस भी पढ़ सकते हैं, और आप यहाँ से सैंपल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैथ का सैंपल पेपर डाउनलोड करना है तो आप किस क्लास का डाउनलोड करना का चाहते हैं उस क्लास पर क्लिक कर देंगे, वैसे ही आपका ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप जिस सब्जेक्ट में जिसमें लिया है आपको सैंपल पेपर मिल जाएगा, जिसमें 15% रहता है,
आपको माध्यम मिल जाएगा तो कैसे प्रश्न है। तो आज के लिए इतना, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।